देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। रेलवे में आरक्षक के पद पर कार्यरत करते हुए एक युवक ने दूसरे अन्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम का असर है कि आज सैकड़ों युवा शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं और जो शिक्षित हैं वह उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। आरक्षक मनीष कुमार यादव ने वर्ष 2000 में अपनी नौकरी की शुरुआत भुसावल महाराष्ट्र में शुरू की, जहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने वर्ष 2006 से युवाओं के प्रति कार्य करना शुरू किया। उन्होंने पहले गांवों में नशा मुक्ति की मुहिम चलाई, फिर युवाओं को इस अभियान में शामिल किया। इसके बाद उन्होंने नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए फिजिकल ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिसके भरोसे ही कई युवा पुलिस, सेना और अन्य जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। वहीं अपने साथी भरत यादव, जो RPF में पदस्थित हैं, के साथ खेल के प्रति भी युवाओं को इसी तरह अभ्यास कराते रहते हैं, जिससे लोगों में खेल की भावना, अनुशासन से प्रेरित होकर वे अपने भविष्य को संवार सके। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को रतनपुर क्षेत्र के ग्राम कर्रा स्कूल मैदान में निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया, जहां क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य था कि युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही अनुभव प्राप्त हो, वह और भी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें, अपने आप को आंकने के साथ ही बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य यहां किया गया, जिसमें सभी विषयों पर ऑप्शनल सवाल पूछे गए, जिसमें बेलतरा की ही शालिनी जायसवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ₹2100 का पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं शिवानी जायसवाल ने दूसरा स्थान और दीक्षा यादव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिन्हें भी प्रोत्साहित करते हुए नगद पुरस्कार प्रदान किया। मनीष कुमार और उनकी टीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे युवा जागरूक हों, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार, गांव, क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। साथ ही वे अन्य अपने स्वयं के पैरों में खड़े होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकें। रतनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज़।